राजधानी शिमला में कांग्रेस का परचम लहराने के बाद जिला परिषद शिमला की अध्यक्ष चंद्र प्रभा और सुरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ कुठाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास आशीर्वाद लेने पहुंची। वीरभद्र सिंह उन्हें अपने दरबार में देख बेहद खुश दिखे और उन्होंने विजेताओं को आशीर्वाद देकर उन्हें बिना किसी भेदभाव के केवल जनता की भलाई करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि जिस तरह से उन्होंने केवल प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए कार्य किया, इसलिए वे चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता भी इसी बात का अनुसरण करे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वे जनता के आग्रह पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन वे अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री अब कोई नया चेहरा होगा। मुझे खुशी है कि वहाँ पर इस प्रकार जो है वो जीते हैं और आठ लोगों के अंदर जो है वो कांग्रेस जो है वो बहुमत से जीती है और हमकी कोशिश तो यही होगी कि अगले समय में अगले चुनाव हो जाए उसमें भी कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। क्या राजा साहब अगली बार फिर सातवीं बार मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, मैं नहीं होऊंगा, मगर मेरी जगह कोई और होगा। इस मौके पर शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास आशीर्वाद लेने इसलिए आए हैं क्योंकि वीरभद्र सिंह ही कांग्रेस है, उनके बिना कांग्रेस कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के नेताओं को एकजुटता की माला में हमेशा पिरोकर रखा। उन्होंने इस मौके पर जहां कांग्रेसी नेताओं का धन्यवाद किया, वहीं सीपीआईएम नेताओं का भी आभार जताया। राजा साहब ही कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी उनके बिना अधूरी है, क्योंकि हर आदमी राजा साहब की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कांग्रेस पार्टी को एक लड़ी में माला की तरह पिरो के रखा था और सब लोग राजा साहब का आज भी इज्जत मान करते हैं, क्योंकि उनके बिना कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। और दूसरी बात, मैं अपने माननीय सदस्यगणों का भी धन्यवाद करती हूँ कि हम दोनों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पे लाने का भी उनका भी अहम रोल है। उन्होंने हमें भारी बहुमत से जिताकर यहाँ पे भेजा। सीपीआईएम वाले जो हमारे वामपंथी मोर्चा है, उन्होंने भी हमारी इस पार्टी सहयोग दिया। आज हम उन लोगों सबकी बदौलत से आज हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनकर आप लोगों के समक्ष है। मैं सुरेंद्र कुमार रेटकर, उपाध्यक्ष जिला परिषद शिमला। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, पिछले कल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, उसमें जो ये कांग्रेस पार्टी की जो जीत हुई है, ये जीत हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी की जीत हुई है। इसका जो सारे का सारा जो श्रेय जाता है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है। वहीं पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर काफी दबाव बनाया और उन्होंने काफी कोशिशें की, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद के आगे भाजपा का जादू नहीं चल सका, यही वजह रही कि शिमला में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। परिषद की चेयरमैन हमारे बीच यहाँ आई हैं आज राजा साहब को मिलने और उपाध्यक्ष भी हमारे जीते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत दबाव रहा, बड़ी कोशिश है कि इन्हें संपर्क साधने की, लेकिन राजा साहब के आशीर्वाद के सामने भारतीय जनता पार्टी शिमला जिला में परास्त हुई है और वहाँ पर हमारी चंद्र प्रभा नेगी जी चेयरमैन बनी है, जिनको 15 मत मिले और भारतीय जनता पार्टी को 9 मत मिले। और इसी प्रकार हमारे श्री सुंदर रेटका जी वाइस चेयरमैन बने, उन्हें 17 मत मिले और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 7 मत मिले। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का, राज साहब का और विक्रमदित्य सिंह जी का बहुत अहम रोल रहा है इसमें, और हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी गण थे और हमारे साथी गण थे, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ।